तैयारियां की जा रही है। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, वो खुद ही आज कोर्ट बन चुके हैं और सजा भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पनिश भी कर रहे हैं। तमाम जो घर टूट रहे हैं, बुलडोजर डायरेक्ट उनके घर पे चलाया जा रहा है। बात एक छात्र की नहीं है, ये ईएफ सामान्य करने की जो स्थिति इन लोगों ने बना दी है, पूरा जो हिंदू राष्ट्र है उसमें ये मुसलमानों पर जिस तरीके से अटैक करता है उसकी बात है। आर्टिकल 21 क्लियरली कहता है कि इस देश में किसी भी नागरिक भी नहीं, कोई भी इंसान का राइट टू लाइफ बिना प्रोसीजर के आप वायलेट नहीं कर सकते। देश में हो रहा है बुलडोजर राजनीति के खिलाफ, ये चीजें नहीं चलेगी यहाँ पे। और हम बोल रहे हैं कि देश में एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत काम होना चाहिए, ना कि हर किसी को सिलेक्टिवली करके आप उसके घर पे बुलडोजर चला दोगे। आप देखिए जिस वे में यूपी सरकार बुलडोजर राजनीति खेल रही है, ये देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। और आज हम हैं जंतर मंतर पर, जहाँ पे कल उत्तर प्रदेश में जो पूरी कार्रवाई हुई है जिसके तहत आफरीन फातिमा का घर गिराया गया, उसके बाद प्रोटेस्टर्स यहाँ पे आए हैं ताकि वो अपने गुस्से का इजहार कर सके। जो प्रदर्शनकारी है उनका साफ तौर पर मानना है कि जो भी कार्रवाई हुई वो संविधान की सारी धाराओं के तहत, सारे प्रोविजंस के खिलाफ में जाके हुई, जहां पे जो पीड़ित पक्ष है उसको सुनवाई का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। ये जो पूरी कार्रवाई है इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि पिछले दिनों में दिल्ली भोपाल और देश के अन्य राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाइयां देखी गई हैं। हमने यहां पे आए कुछ प्रदर्शनकारियों से बात की है, सुनिए उन्हें। पहली बार ये बताना चाहती हूँ कि अगर ये कोई भी नागरिक देख रहा है इस देश का, तो उसको बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है, क्योंकि आप बिना किसी कानून के प्रोविजन के आप किसी के घर पे पहुंचते हैं, जो कि आप कह रहे हैं कि एक्यूज है, बिना किसी कोर्ट ने अभी गिल्टी एस्टैब्लिश नहीं हुए, वो प्रोटेस्ट के पार्टिसिपेंट थे या नहीं थे, वो मास्टरमाइंड थे या नहीं थे, ये सब बाद की बात है। पहली बात तो हमें पता है कि वो नहीं थे, लेकिन अगर वो थे भी तो भी ये अभी प्रूव नहीं हुआ था, ये मैटर ऑफ कोर्ट था ना, कोर्ट में आप केस दाखिल करते और फाइल होता और फिर ट्रायल होता। लेकिन इस देश के चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, वो खुद ही आज कोर्ट बन चुके हैं और सजा भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पनिश भी कर रहे हैं। किस तरीके से लगातार एक ही कम्युनिटी को, सिर्फ उसकी कम्युनिटी देख के उसको टारगेट किया जा रहा है। बात आज ये आज का नहीं, इस हफ्ते में जो हुआ उसका नहीं, उससे पहले भी लगातार होता आ रहा है। 2014 के बाद तो और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया है। और आज की स्थिति यह है कि देश के हर कोने में जो बुलडोजर का नया इनका राजनीतिकरण आया है, बुलडोजर करण आया है, उसको लगातार थोप रहे हैं, उसको लगातार मुस्लिम कम्युनिटी जो है उनके घर गिराए जा रहे हैं। अब ये लोग उसको सामान्य कर दिया है, मतलब कोई बोलता है उसको बुलडोजर लेते हैं, उसका घर टूटवा देते हैं। खारगोन में हुआ, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, जहांगीरपुरी में हुआ, मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, अभी कोई इफेक्टिव जजमेंट नहीं आया लेकिन मैटर पेंडिंग है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी मैटर पेंडिंग है। और अभी क्या होता है, एक तरफ से प्रोसीडिंग चल रही है क्रिमिनल की, ये मास्टरमाइंड है, दूसरी तरफ से एक सिविल डिपार्टमेंट जो है कॉरपोरेशन का, वो जाता है कहता है कि घर जो है इलीगल है, हम इसको तोड़ रहे हैं। पहली बात, बिना नोटिस के सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की इतनी सारी जजमेंट्स है जो इस बारे में बात करता है कि नोटिस जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। नोटिस मतलब आप किसी को फेयर हियरिंग का एक मौका दे रहे हैं कि मैं जाकर बोल पाऊं कि ये, अगर आपने मुझे नोटिस दिया है कि ये आपत्ति है मेरे घर में, तो मैं बता पाऊं कि ये आपत्ति नहीं है और मैं कैसे इसको दूर कर सकती हूँ। देखो, शिकायत करने का काम अलग होता है, उसकी जजमेंट करने का अलग होता है, उसकी कार्रवाई करने का अलग होता है। तो ये म्यूनिसपैलिटी की जो कार्रवाई है, इसको लोगों की आवाज को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता। आपको पता है कि 80% दिल्ली जो है ये अनऑथराइज बनी हुई है, और इसको किसी प्रॉपर प्रक्रिया के थ्रू ही किया जा सकता है। आप सिलेक्टिवली लोगों के घर नहीं तोड़ सकते कि जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं, जो आपके खिलाफ करते हैं, तो आप उनके घर तोड़ दो और बाकी बनाए जाए। तमाम जो घर टूट रहे हैं, बुलडोजर डायरेक्ट उनके घर पे चलाया जा रहा है। बात एक छात्र की नहीं है, ये ईएफ सामान्य करने की जो स्थिति इन लोगों ने बना दी है, पूरा जो हिंदू राष्ट्र है उसमें ये मुसलमानों पर जिस तरीके से अटैक करता है उसकी बात है। आर्टिकल 21 क्लियरली कहता है कि इस देश में किसी भी नागरिक भी नहीं, कोई भी इंसान का राइट टू लाइफ बिना प्रोसीजर के आप वायलेट नहीं कर सकते। और इस पूरे केस में प्रोसीजर जो है, जिसको हम ड्यू प्रोसेस बोलते हैं, विच शुड बी फेयर, विच शुड बी जस्ट, विच शुड बी रीजनेबल, ये तीनों चीजों का वायलेशन हुआ है। तो ये पूरी तरह से इलीगल है, एंड एवरीबॉडी, हर एक नागरिक, उसको इसमें चिंता करनी चाहिए। कल को तुम्हारे घर पे भी बुलडोजर आएगा।